बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज़ कुबरा अमन एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। ये हमारी मैथ्स की कॉपी है, ठीक है, जो आप सब बच्चों के पास मौजूद होगी। अगर इस तरह की कॉपी आपके पास नहीं है, कोई भी दूसरी कॉपी है, तो आपने उसके ऊपर बहुत अच्छी सी कवरिंग करनी है वाइट शीट से और उसके ऊपर प्लास्टिक शीट चढ़ानी, ठीक है। और जिन बच्चों के पास ये स्कूल की कॉपी है दी ट्रेनर्स की, तो उसके ऊपर ये देखें नेम के लिए कॉलम बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपने अपना नेम मैंशन करना है, फादर नेम मैंशन करना है, क्लास मैंशन करनी है, उसके बाद सेक्शन लिखिएगा और उसके बाद सब्जेक्ट और कैंपस और रोल नंबर, ठीक है, आपने इसको फिल करना है। उसके बाद जब अपनी कॉपी खोलेंगे, तो उसके फर्स्ट पेज पे सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, क्लास लिखनी है और सब्जेक्ट में मैथ्स लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज हमारा बिल्कुल खाली होगा और उसका जो नेक्स्ट पेज है वहाँ हम बनाएंगे अपना इंडेक्स, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इंडेक्स और इस तरह से हम कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम हमारा होगा सीरियल नंबर का, उसके बाद डेट यहाँ मेंशन होगी। यहाँ जो भी हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे और मतलब जो भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज का नंबर लिखा जाएगा और यहाँ टीचर सिग्नेचर के लिए कॉलम बनाया जाएगा। अच्छा, ये इंडेक्स आपका 1, 2 एंड 3 पेजेस का होना चाहिए। उसके बाद हम फिर इन 3 पेजेस के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा उसके ऊपर हम मिड टर्म की हेडिंग डालेंगे, मिड टर्म की मतलब पूरा टाइटल बनाएंगे। मिड टर्म का टाइटल बनाने के बाद फिर उसके नेक्स्ट पेज पे हम मिड टर्म सिलेबस लिखेंगे। उसकी आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग देंगे सिलेबस फॉर मिड टर्म और फिर यहाँ पर मिड टर्म का सिलेबस जो है वो हम इंशाल्लाह लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी वर्किंग होगी वो साथ साथ आप लोगों को बताते रहेंगे। ये आप लोगों की कॉपी मेंटेनिंग की वीडियो थी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आई होगी और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी को मेंटेन करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।